अस्सलाम वालेकुम। आज आप जो है देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेल्ट्स। बेल्ट एक्चुअली होती क्या है? बेल्ट की डेफिनेशन ये है कि ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंपोनेंट है। बेल्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी बेल्ट मेरे हाथ में मौजूद है, इसी तरह टाइमिंग बेल्ट्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा किस्मों के बेल्ट मार्केट में मौजूद हैं। आज जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये डोंगल का सेलिंग बोर्ड वर्जन का ये 70 बेल्ट है। ये बेल्ट जो इस्तेमाल किया जाता है ये दो पुलिस के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। पुली क्या है, पुली कैसे है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पुली की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते चलें कि जो मेरे पास बेल्ट है ये ऑयल और हीट रेजिस्टेंट है, इसी तरह एंटी स्टैटिक है। ऑयल और हीट रेजिस्टेंस होने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर अगर ऑयल आ भी जाए तो ये स्लिप नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपकी मशीन कंटिन्यूस चल रही है तो ये जो है हीट अप नहीं होगा। इसी तरीके से एंटी स्टैटिक का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो है अगर दो पुलीज में मशीन के ज़रिए करंट आ जाता है तो करंट ट्रांसफ़र नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मज़बूत किस्म के बेल्ट होते हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप जो है फ़र्ज़ किया बेल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एक मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा बेल्ट इस्तेमाल किया जाए? तो मैं आपको बताऊंगा कि वी बेल्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप जो है एक चक्की के मालिक हैं, आपके पास एक फ्लोर मिल लगी हुई है, या आप जो है गंदों की पिसाई करने वाली मशीन चलाते हैं, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पुलीज होती हैं, उसके अंदर जो है आप ये बेल्ट आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेल्ट बहुत ही मज़बूत और पायदार किस्म का बेल्ट होता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। इसकी जो टाइप है वो है वी बेल्ट जो हैं इसके अंदर ग्रेड इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर नंबर और कोड इस्तेमाल होते हैं। ये जो बेल्ट है ये A70 और A73 है। अब A73 बेल्ट एक्चुअली है कि आप सब सोच रहे होंगे कि A73 आखिर क्या इसका मतलब है। A73 जो है ये इसका कोड होता है। इस कोड का मतलब है कि इसके आप जो है लेंथ और इसका डायामीटर A73 के हिसाब से रिकमेंड कर सकते हैं। आम रूटीन में जब भी ये बेल्ट लगाए जाते हैं इन बेल्ट्स के अंदर एडजस्टमेंट मौजूद होती है। आप पुली को प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपके पास डिसाइड करने के लिए वक्त नहीं है कि आप कैसे इसको डिसाइड करें, कैसे सिलेक्शन करें, तो आप एक धागे के साथ इसका साइज़ ले सकते हैं। पुली टू पुली, डाया टू डाया आप इसका साइज़ लेके आप इस बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये इस वक्त मेरे पास 3 से 4 बेल्ट्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेल्ट्स के हवाले से जितना नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर कर सकूँ। इन बेल्ट्स को जो है आप देखते हैं आम रूटीन में अपनी वॉशिंग मशीन्स के अंदर, जैसा कि हर घर में वॉशिंग मशीन मौजूद होती है, उसके अंदर आप कभी अगर आप खोल के देखें तो उसके अंदर यही बेल्ट चल रहे होते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि टाइप चेंज हो सकती है, किसी के अंदर वी बेल्ट आ जाते हैं, किसी के अंदर प्लेन बेल्ट आ जाते हैं, किसी के अंदर टाइमिंग बेल्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और क्वालिटी में बहुत ही हाई फाई बेल्ट है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पुली मौजूद है जो कि हम डबल बेल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल किस्म की पुली है। इसको जो है हम आम रूटीन में शुगर ग्राइंडर और फ्लोर ग्राइंडर के अंदर यूज़ करते हैं। ये उस ग्रेड की पुली मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि इस बेल्ट को आप इस पुली के अंदर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वी बेल्ट आप देख रहे हैं इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसे की जाती है कि इसके अंदर पूरी की पूरी थ्रेड के अंदर बैठ जाता है और इसको मजबूती से पकड़ कर लेता है। इस बेल्ट के अंदर जो है ये खासियत मौजूद है कि ये स्लिप नहीं हो सकता। इसी वजह से इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो वी शेप में की गई है। तो जब भी हम इसके लिए पुली यूज़ करते हैं तो हम वी शेप पुली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो पुली है ये इसको बेल्ट को अप डाउन नहीं होने देगी। इसी तरीके से अगर आप जो है इस बेल्ट को इसके अंदर देख रहे हैं, जैसे ये रोटेट करेगी पुली, ये बेल्ट को मजबूती से पकड़ कर लेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर दो बेल्ट यूज़ करने पड़े तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये डबल बेल्ट एक किस्म का आपको दिखाने के लिए पुली के अंदर एडजस्ट किया है। इसी तरीके से ये पुली जो है पेयर में यूज़ होगी और दोनों साइडों पर पावर ट्रांसमिट करेगी। एक साइड पे आपकी मोटर, दूसरी साइड पे आपकी शाफ्ट, दोनों की पुलियां आप इस्तेमाल करके इन बेल्टों के ज़रिए पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपकी पावर मोटर के ज़रिए डायरेक्ट इस पुली के ज़रिए होती हुई आपकी शाफ्ट को ड्राइव दे सकती है। तो इंशाल्लाह मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।